क्वेश्चन कर रहा है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला है, सेक्स ऑफ द बेबी इज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इज डिटरमाइंड बाय ओनली फादर। बेटा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पता है कि फीमेल का जो एग होता है वो 22+X होगा, ठीक है, जबकि मेल का जो स्पर्म होता है वो 22+X भी हो सकता है और 22+Y भी हो सकता है, तो मेल ही डिसाइड करता है जेंडर को, ये तो बिल्कुल सही है। सेकंड है बेटा, सॉलिड बॉल ऑफ 16 सेल स्टेज इज कॉल्ड मोरूला। बिल्कुल सही बात है बेटा, जो मोरूला होता है वो 8 to 16 सेल स्टेज को ही मोरूला कहते हैं, ये मुलबेरियन वर्ड से लिया गया, ये भी सही है। थर्ड कह रहा बेटा, मोरूला डिवाइड्स एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट हुज आउटर लेयर इज नोन एज ट्रोपोब्लास्ट। देखो बेटा, मोरूला के बाद जो स्टेज बनेगा वो ब्लास्टोसिस्ट वाला स्टेज बनेगा, और उस ब्लास्टोसिस्ट का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसे ट्रोपोब्लास्ट बोलेंगे, तो ये वाला भी पॉइंट बिल्कुल सही है। लास्ट कह रहा बेटा, द इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट डेवलप इनटू जायगोट। नहीं बेटा, ये ऑप्शन गलत है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। क्यों बेटा? एक्चुअली बेटा होता क्या है कि जो इनर सेल मास होता है ये डिफरेंशिएट हो जाता है दो लेयर में, कौन कौन से, इसी के सेल्स जो ऊपर जाते हैं उन्हें बोलते हैं एपिब्लास्ट, और इसी इनर सेल के मास के सेल जो नीचे की तरफ आ जाते हैं उन्हें बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। एपिब्लास्ट ही आगे चल के बनाएगा इक्टोडर्म, और ये बनाएंगे इंडोडर्म, और यहां पे हमारे ऑप्शन में जायगोट लिखा है, इसलिए गलत है। ओके बेटा।